तो यहाँ से देखो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ है, एक वो है, एक इस बिल्कुल सामने है, इनमें कल रात को भी बर्फबारी हुई है। चलो, इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है, आलू गोभी की सब्जी या कंडाली का साग? तो हेलो एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज की मॉर्निंग और जो हमारी गुड नाइट हुई थी वो भी कुछ ऐसी ही डरावनी हुई थी, यानी कि कल रात से ही बारिश लगी हुई थी यहाँ पे। और सुबह जब मेरी आंखें खुली तो तड़ 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 पानी टपक रहा था, यानी कि जो खड़ा गड़ा दिन बोल दवा बन दे। तो चलो आज के दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी होने वाली है, ठंडा ठंडा कूल कूल करके। तो पहले मैं हाथ मुंह धो के तैयार होता हूँ जल्दी से, और एक बार चुपचाप यहाँ पे इन चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं। हाँ 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 ऐसा साउंड सुन के मन को बड़ी शांति मिलती है। तो सबसे पहले पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग भी वही, बारिश ने तहलका मचा रखा है और हमारा जीना हराम कर रखा है। तो देखो सुबह सुबह लंगूर बंदर भी आ गए, जो हमारी राई मेथी वगैरह हो रखी है, ये पालक हो रखा है, इसको खाने के लिए आ रहे हैं। और इतनी बारिश में कौन भगाए इनको बाहर निकल निकल के। खैर, कैसा लग रहा है आपको आज का मौसम देख के? और मुझे तो लग रहा है कि मुझे तो कब से लग रहा है कि बर्फ़ पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए, लेकिन ये बर्फ़ है कि मानती नहीं, पड़ती नहीं। चलो इंतज़ार करेंगे कब तक बर्फ़ पड़ती है। और मैं पी रहा हूँ यहाँ चूल्हे पे चाय, और यहाँ कूटे जा रहे हैं आलू, शायद खिचौनी बन रही है आज। तो चलो आपको ले चलता हूँ अपनी छत में, और एक बार यहाँ से देखते हैं कि कैसा दिख रहा है घर के आगे का नज़ारा। और ये हमारी छत, वाह भाई वाह, घनघोर बादल, नीचे खटलगढ़ का साउंड और एक दस्तक। और उधर सामने अगर दिख रहा होगा तो कितने लंगूर बंदर जो है, पूरा पेड़ इन्होंने छाप रखा है। ये है हमारी घाटी। तो लीजिए बारिश भी शुरू होती हुई, और बिल्कुल आगे जहाँ मैंने कल दिखाया था वहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई है, और अब धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ती हुई, और यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू। नीचे से आवाज़ लग रही है खाने के लिए, पहले खाना खा लेते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करते हैं। और जो बकरियों के लिए चारा है वो मैंने वैसे तो कल मंगा रखा है, 3 ऐसे गट्ठे पड़े हैं, तो अगर बारिश शुरू हो गई तो ये डाल देंगे उनको, अगर बारिश शुरू नहीं हुई तो फिर से ले जाऊंगा उनको चराने, और उसके बाद जो भी होगा वो आगे देखी जाएगी। आहा, तो यहाँ से देखो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ, एक वो है, एक इस बिल्कुल सामने है, इनमें कल रात को भी बर्फबारी हुई है।
लेकिन हमारे यहाँ कब होगी? और ये देखो मौसम बहुत ज़्यादा भयानक, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि आसमान से जो है कोई बादल फटने वाला हो। और ये है दीवा साइड, इधर ऊपर को दीवा का मंदिर है, वो सामने भटवाड़ो स्टेशन है हमारा, और यहाँ पे भी वो छोटी छोटी नदियाँ जो है आई हुई है, इनको हम बोलते हैं छोया। तो ये देखो पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि बादल लगने के बाद, बारिश के मौसम बनने के बाद, कुछ कुछ जगह पे जो है धूप दिखती है, तो उसको हम गढ़वाली में हिमचलका बोलते हैं। इसे एक अंदाज़ा लगता रहता है कि बर्फ़ पड़ने वाली है, तो वही इस बार 1, 2, 3, 4 और इधर पूरी धूप है, तो इतनी जगह जो है हिमचलका हो रखे है। आसमान साफ तो हो रहा है, लेकिन कल भी ऐसे हुआ था, पूरा साफ हो गया था और उसके बाद जो है सुबह दे दनादन वाली बारिश शुरू हो गई थी। तो चलो अब लकड़ियाँ भी थोड़ी कम है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी लकड़ियाँ फाड़ लेता हूँ और उसके बाद देखते हैं आज शाम को सब्जी का क्या जुगाड़ है, नहीं तो फिर से कंडाली की सब्जी। खैर वो जो भी होगा वो बाद में बताऊँगा, पहले मुझे लकड़ी फाड़ने को कहा गया है। बास्को क्या कर रही है? मेरी कुल्हाड़ी। अब मैं लेके आता हूँ पहले गिंडकी यानी लकड़ी का तना। तो यहाँ रखी है एक लकड़ी, और ये जो होते हैं इनको हम ठंगरे बोलते हैं, जो कि हम बरसात के मौसम में जो बेल होती है करेले की, ककड़ी की, उन पे लगाते हैं और इस टाइम में काम आते हैं जलाने के। अगर बारिश नहीं होती तो ये अगले साल के लिए भी रह जाते हैं। अब क्योंकि जो लकड़ियों का स्टॉक था वो 2-3 दिन से ख़त्म हो गया है, और अब धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है कि इनको फाड़ना पड़ता है। और चलो एक यहाँ पे रखा है मैंने लकड़ी का तना, तो आज इसको फाड़ के देखता हूँ, अगर इतने में बारिश टल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद उसकी बारी है। तो ये थोड़ा भारी है इसलिए मैंने भाभी को बुलाया है। ये हम देर दिन दो, ये थी अचानक। तो लीजिए इतनी लकड़ी मैं फाड़ चुका हूँ, और ये मेरे औजार यंत्र, इनको रख देता हूँ अंदर संभाल के। बॉस्को, बॉस्को चल लकड़ी रख अंदर। और ये है कुकू यानी हमारा बॉस्को, मतलब बागी 2 में आपने देखा होगा रणदीप हुड्डा का बॉस्को था, ऐसी ये भी मेरा कहना मानता है, इसलिए मैंने इसका नाम बॉस्को रखा है। और जल्दीबाजी में मैं इसको बॉस्को बुलाता हूँ और ये जल्दी से आ जाता है। तो लकड़ी फाड़ के हाथ मुँह धो के अब थोड़े हाथ गर्म करते हैं चूल्हे पे, और यहाँ उगता है गाय के लिए चारा, और आज फिर से बनने वाली है कंडली की भज्जी। बल्ले बल्ले मज़ा आने वाला है, आज की ठंड का मौसम भी एकदम बेस्ट होने वाला है, इन्जॉय करने वाले हम लोग कंडली की भज्जी को। लेकिन आज खोदे की रोटी शायद ही हो, क्योंकि जो हमारा मंडुआ था ख़त्म हो गया। और आजकल देखो जब से ठंड मतलब बारिश हुई है, हमारे घर के किचन की हालत थोड़ी खस्ती हो रखी है, लकड़ी जलती है तो थोड़ा मतलब ऐसा हो जाता है, और बच्चों के साथ तो वैसे ही किचन जल्दी गंदा होता है। अब बारिश का मौसम है तो ऐसे में लिपाई पुताई तो कर नहीं सकते, तो चलो जब तक बारिश का मौसम है तब तक थोड़ा ऐसे ही रहने वाला है। तो जो मिडिल क्लास के ब्लॉगर हैं वो अपनी वीडियो में ऐसे मौसम में दिखाते होंगे कि उन्होंने झट से मैगी लाई, मैगी बनाई बढ़िया से ले जाके, और हम जैसे लोग यही दिखा पाएंगे, लकड़ी फाड़ना, भेड़ बकरियाँ चराना, ये चारा बोलता हुआ ये सब दिखा पाएंगे। ठीक है, अब तैयारी हो रही है चाय बनाने की, तो चाय पी के और फिर कंडाली का साग।
इसके ऊपर पानी का। और दगड़ी हुई देख हमारे खांदो का हाल क्या हो रही। तो चलिए दोस्तों, अब तैयारी हो रही है उस पौधे की सब्जी बनाने की जिससे कोरोना और भूत दोनों भागते हैं। ठीक है, इतनी डेंजरस सब्जी हम लोग आज खाने वाले हैं। और पता आपको चल ही गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ कंडाली के साग की, जो कि पिछले वीडियो में आपने तरीके से देख ली कैसे बनी और कैसे हमने बनाई। और जो मेरे तरीके हैं ये सब दिखाने के, ये बिल्कुल साधारण से तरीके हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, तो वही सब आपको दिखाने की कोशिश रहती है। हाँ, कई ब्लॉगर हैं जो आपको थोड़ा शहरी स्टाइल में बनाना दिखा सकते हैं, गैस पे बन रहा हो या किसी नए तरीके से, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल अपने पहाड़ी तरीके से। जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं, उनको ये सब चीज़ें पसंद आती हैं। और यही रीज़न है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरे चैनल को लगातार सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर ज़्यादा बात ना करते हुए फिर से तैयारी करते हैं कंडाली का साग बनाने की। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि वैज्ञानिक तरीके से कंडाली खाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन फ़ायदे बताने वाला हूं कि क्या क्या फ़ायदे जो है इस कंडाली से होते हैं। तो सबसे पहले कंडाली शरीर को अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करती है, यानी जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। इसीलिए इसकी सब्ज़ी सर्दियों में खाई जाती है और गर्मियों में इसको पचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और पुराने ज़माने में कहते थे जब गाय भैंस हीट में नहीं आती थी तो उनको इसका चारा बना के खिलाया जाता था, जिससे वो जल्दी से हीट में आ जाती थी। तो मेन कारण जो है कंडाली खाने का, या मेन फ़ायदा जो है, वो अंदर से शरीर को गर्मी प्रदान करती है। अब दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे छोटे बच्चे कहीं पे डर जाते हैं, यानी कि जय खड़ा गड़ बोलता हूँ, बच्चा झसके जल्दी, तो जो जानते हैं थोड़े जानकार लोग होते थे पुराने ज़माने में, वो कंडाली और थोड़ा राख मंत्र के और उनके सिर पे टीका लगाते थे, तो जो छोटे बच्चे डर जाने से उनको बुखार चढ़ जाता था या उनको वो रोना शुरू कर देते थे, तो उससे उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भूत आ जाता है किसी पे तो वो खंडाली से भाग जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है भूत भगाने वाली झाड़ी भी कहा जाता है। तो चलो, ये लग गई चोटी कंडाली बीन के, और अब प्रोसेस इसको इसमें ट्रांसफ़र करने की है। दोस्तों, कोरोना काल में कंडाली बहुत महंगे दाम बिकी थी, क्योंकि ये अंदर से शरीर को गर्मी प्रदान करती है, यानी इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तो इसलिए कंडाली 300-300 रुपए किलो से स्टार्टिंग हुई थी बिकना, 300 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। तो बहुत ही नहीं, इससे कोरोना भी भागता है इसका मतलब। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। पिछली बार की तरह यहाँ पे कंडाली उबल रही है, इधर मिर्ची पीस दी है, मिर्च मसाले, इधर आटा लगाया जा रहा है, अभी थोड़ा सा मंडवे का आटा है उसको भी लगाएंगे। तो ये भी एक झाड़ी है जिसको हमारी गढ़वाली में अलमड़ बोला जाता है, पिछली वीडियो में भी बताया था, और इसमें खट्टापन होता है बहुत ज़्यादा। तो पुराने ज़माने में जब लोग टमाटर उतना यूज़ नहीं करते थे तो इसको रखा जाता था खट्टापन लाने के लिए, और वैसे तो आजकल टमाटर है लेकिन हम फिर भी इसी को रखते हैं, क्योंकि इससे एक अलग ही स्वाद आता है कंडाली की भुज्जी में।
तो ये है हमारी इंग्रेडिएंट जो इसमें पड़ने वाले हैं। तो महामंत्री बॉस्को सब्जी शुरू की जाए। सब्जी शुरू की जाए। और ये जो बानर सेना है इनका होमवर्क पूरा हो गया और अभी आगे मेरा दिमाग खाने। अभी देखेंगे कंडले की भुज्जी कैसे बनाते हैं। पहले वाले दिन तू क्या करेगा? डांस करूंगा। इसी तरह से बनवाएगा। इस बात का खुलासा हम अगले ब्लॉग में करेंगे। मैं यहाँ पिछली बार लाइट चली गई थी या है। इस बार लाइट है कम। हाँ 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 तो कंडाली की एंट्री हो चुकी है चूल्हे में। हाय बोल। हेलो 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 गुड नाइट आई कैन सी यू बाय बाय। और ये रख दिया इसमें थोड़ा आलन, ये रखना थोड़ा जरूरी होता है इसमें। सक्सा मर जा, हर जा हर जा। वह तो पिछले आखिर था ना। कख लगी रुक जाए हम चुप नहीं समझ चुप बोलो उठा काम ना करना है ना। अभी वक्त नहीं जा, वक्त नहीं जा इना वक्त नहीं जाना। बस हेलो गाइस, नमस्ते कर दे सभी को ना। नमस्ते शाबाश बोल। टाटा कह दे टाटा। अब बारी मेरे खाने की, मंडुए की रोटी, गाय का घी और कंडाली का साग। ज़्यादा नहीं, इधर दो मंडुए की रोटी और है। तो चलो जब तक ये बनती है तब तक मैं इसका शुभारंभ कर देता हूँ।
बढ़िया। पिछली बार की बजाय इस बार ज़्यादा सही लग रही है कंडाली की भुज्जी। तो ये है आलू गोभी की सब्जी। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ इन दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है, आलू गोभी की सब्जी या कंडाली का साग। रोटी खा लिए और ये दो और आ गई है, तो अब हम खाना खा के और जाते हैं ऊपर अपने रूम में। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखें ताकि जब भी ऐसी पहाड़ी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इतनी ठंड के मौसम में जो आउट ऑफ उत्तराखंड से मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखिए, और जो उत्तराखंड में भी है इस वक्त जो है बहुत ठंडा मौसम चल रहा है, तो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और पहाड़ी जंक्शन को सपोर्ट करते रहें।